क्या बदतमीजी है? मुझे नहीं पहनना ये पुराना वाला जैकेट। मैं तुम्हें कितने टाइम से कह रही हूँ मुझे नई जैकेट दिला दो, नई जैकेट दिला दो। अरे यार अब तो सर्दियाँ भी खत्म होने वाली है लेकिन तुमसे मुझे एक नई जैकेट नहीं दिलवाई गई है। दो बैग भरे पड़े हैं तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हें फिर भी और कपड़े चाहिए? कितनी बार बोलूं वो सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना हो जाते हैं पुराने कपड़े, इस जैकेट को देख लो, 4 साल से पहन रहा हूं ये मैं, अब भी बिल्कुल नई जैसी है ये। तुम्हें शौक है पुराने कपड़े पहनने का? मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नई जैकेट दिलाओ। अरे तुम हर साल कैसे नए कपड़े चाहिए होते हैं, अलमारी खोल के देखो ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का। देखो तुम्हारे नहीं होते होंगे लेकिन मेरे कपड़े पुराने हो जाते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स और तुम्हारे रिलेटिव सबने मेरे कपड़े देखे हुए हैं, मुझे नए कपड़े चाहिए बस। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। देखो मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े चाहिए तो चाहिए। और वैसे तुम्हारा खाना कब आ रहा है? लो आ गया खाना, मुझे भूख लगी है, जल्दी लेके आओ। अभी भी मैं ही लाकर दूं। मैम साहब आपका ऑर्डर। कहाँ रह गए थे भैया, कितनी देर से वेट कर रहे थे हम। वो क्या है ना मैम साहब, मैं साइकिल से आता हूँ तो साइकिल धीरे चला के आ रहा था क्योंकि बहुत ठंड हो रखी है ना बाहर, इसीलिए। इस वजह से मेरा खाना तो ठंडा हो गया ना भैया। सॉरी मैम साहब, हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। मैम साहब आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं, जर्सी जैकेट कोई भी पुराने, आप अपने कपड़े दे सकती हैं मुझे? मेरे पुराने कपड़ों का क्या करोगे, तुम्हारे किस काम आएंगे? वो क्या है ना मैम साहब, मुझे अपनी घरवाली के लिए चाहिए। घरवाली के लिए? हाँ मैम साहब, मेरी घरवाली ना घर घर जाकर ना झाड़ू पोंछे का काम करती है, बर्तन धोती है, ठंड में ठिठुरती है, तो वो सब मुझे देखा नहीं जाता, इसीलिए उसी के लिए कपड़े मांग रहा था, अगर आपके पास हो तो दे दीजिए। भैया आप अपनी वाइफ के लिए कपड़े मांग रहे हो, आप पहले खुद को तो देखो, आपने तो बस ये पतला सा और फटा हुआ सा बनियान पहना हुआ है, आपको भी तो ठंड लग रही होगी ना। कोई बात नहीं मैडम, मैं ठंड में जैसे तैसे काट लूँगा, लेकिन मेरे को अपनी घरवाली को नहीं देखा जाता ठंड में ठिठुरते हुए, अगर आपके पास पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए मुझे। तो भैया आपको सैलरी भी तो मिलती होगी ना, उनसे कपड़े खरीदो और अपनी वाइफ को भी दिलाओ। नहीं नहीं मैम साहब, तनख्वाह तो हमें मिलती है लेकिन क्या है ना, हम जब कभी भी अपनी घरवाली से बोलते हैं ना कि मार्केट चलो तुम्हारे लिए नया कपड़ा दिला देते हैं, तो वो साफ मना कर देती है, कहती है पैसा बचा लो, बच्चों के काम आएगा भविष्य में, और फालतू खर्चा करने ही नहीं देती, इसीलिए बोल रहा था आपसे, अगर आपके पास मदद करने लायक कुछ कपड़े हों तो कर दीजिए। भैया आप एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए कुछ जैकेट्स और तुम्हारी बीवी के लिए भी कुछ कपड़े हैं। धन्यवाद मैम साहब, लेकिन इतने सारे? भैया आप ये बताइए कि आपको कितना पैसा हुआ खाने का? मैम साहब 250 रुपये हुए हैं। ये लीजिए भैया। लेकिन मैम साहब ये तो 500 रुपये हैं, मेरे पास खुले नहीं है। भैया बाकी के पैसे आप ही के लिए हैं, उनसे ग्लव्स ले लीजिएगा, आपके हाथों में भी तो ठंड लगती होगी ना, साइकिल चला के आते हैं आप। धन्यवाद मैम साहब। अरे बैठो मत ना, तुम खाने को लगाओ ना, बहुत तेज भूख लगी है यार। अब वो मैं क्या कह रही थी ना कि, अरे यार कल चलेंगे शॉपिंग पर, टेंशन क्यों ले रही हो, अब बस तुम खाने को लगाओ। अरे नहीं, अब मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब, ये एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? यार वो डिलीवरी बॉय की बात सुन के मैंने रियलाइज किया कि जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट है वो किसी और के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। आई मीन हम कभी रियलाइज ही नहीं करते, जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसकी हम कभी कदर ही नहीं करते। चीज़ों की अहमियत तो उन लोगों से पूछनी चाहिए जिनके वो नसीब में नहीं होती। यार अब से मैंने डिसाइड किया है, मैं आज के बाद फिजूल खर्ची कभी नहीं करूंगी और ज़रूरतमंदों को कपड़े भी दूंगी, उनकी पूरी हेल्प करूंगी।